हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो को देख के आपके दिल में बहुत ज्यादा ठंडक पहुंचने वाली है। अगर आप पूरा इस वीडियो को मुझे मत बोलिए, आप पंकज जी से क्लियर कीजिए जो कि करना है, और आप मुझे मेल कीजिए अपना रिजाइन लेटर। अगर आप रिजाइन लेटर नहीं मेल करते हैं 24 आवर्स में, तो कंपनी आपको खुद टर्मिनेट कर देगी। टर्मिनेट और आपके दिमाग में आग लग जाएगी कि कैसे और किस तरह से अगर रिकवरी वाला आपसे बदतमीजी कर रहा है, तो आप उसकी अगर सही स्टेप्स में ढंग से उसकी लंका लगाते हैं तो उसकी नौकरी भी खा सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। परसों 2 दिन पहले मैंने इस वीडियो का पहला पार्ट डाला था। इसमें रिकवरी वाला बहुत गाली गलौज कर रहा था कस्टमर से, और आज की वीडियो में देखो वो बंदा कैसे गिड़गिड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी नौकरी अब जाने वाली है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अमाउंट आपका ये 10,000 रुपए है, ये आप पे कर दो। ये मार्च मुझे नितिन जी सुनिए, मुझे पेमेंट की बात मत बताइए। मुझे बताइए आपकी मिस कम्युनिकेशन क्या हुई है इनसे। मैंने सारी रिकॉर्डिंग्स देखी हैं। बोल रहे हैं कस्टमर कि उनके पास रिकॉर्डिंग्स है, क्या बात हुई है मुझे बताइए। मैम एक्चुअली मैं 6 तारीख को इनके पास गया था, अभी परसों लगभग, तो मैं इनके पास वहाँ गाजियाबाद गया था मैम। तो थोड़ा सा मैम, अब ये फोन पे बोल रहे थे कि जो करना है कर लो, थोड़ा सा मैम मैंने बोला मोमेंटम मैं एक सेकंड बात पंकज जी उनकी सुन लेते हैं। चलो अपनी बोला ठीक है सर, सीनियर लाइन पे बात। तो मैंने बोला मैम कि सर मैंने ना मैम, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे सकता हूँ उनकी मैसेज का। मैंने बोला सर पेमेंट कर दो। इन्होंने मैम मुझे मैसेज करते हैं कि पेमेंट नहीं होगी, पैसे नहीं है, जो करना कर ले। मैंने बोला सर देखो यार, आपने इतना टाइम लिया, वो भी टाइम लिया, मैं आपकी हर बात मान रहा हूँ, हर बात। अगर एक एक बाप की औलाद है ना, अगर एक बाप के लड़ से जन्मा है तू, अगर एक बाप के लड़का चुदा है ना, तेरी माँ को भी गाली दूंगा, देख अभी फोन करके रुक। अच्छा, तेरी बहन चुदाई के पैसे कर रहा हूँ, आपकी सारी बात ऊपर रख रहा हूँ। अरे नहीं है भाई, पैसे नहीं है, जो करना कर रहे लीगल एक्शन ले ले। मैंने बोला सर लीगल एक्शन मैम, उस टाइम थोड़ा मैंने मोमेंटम अपना लूज कर दिया, तो मैंने थोड़ा सा इनके साथ थोड़ी सी मतलब अनाप शनाप में मेरी बात थोड़ी सी नहीं। एक सेकंड, आप मुझे स्क्रीनशॉट दोगे जरा? मैंने आपको क्या बोला, पेमेंट नहीं करूंगा, स्क्रीनशॉट दोगे मैडम को? पंकज जी A1 मैम, प्राची मैम भी बोल लाइन करो, मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ मैम। एक सेकंड मैम, आप मुझे बताइए कि आपने मिस कम्युनिकेशन क्यों किया कस्टमर से, और आप इनके एड्रेस पे गुंडे लेके गए थे? किसको लेके गए थे? मैं तो देखा नहीं, कि भाग गए थे वहां से। पहले मैं स्क्रीनशॉट दे दूं, उसके बाद मैं सारी बातों का आंसर दूंगा मैम। नितिन जी, मेरे को स्क्रीनशॉट नहीं देखना है, मेरे को ये देखना है कि वो बोल क्या रहे हैं, रिकॉर्डिंग है उनके पास आपकी कम्युनिकेशन की। अगर नहीं करनी है जॉब, तो आप मेरे को रिजाइन लेटर अपना मेल कर दीजिए। नहीं, एक मिनट का टाइम नहीं है नितिन जी, आप मेरे को रिजाइन लेटर मेल कर दीजिए। मेरे को नितिन जी मैसेज नहीं देखना है, मैं आपसे जो बोल रही हूँ आप मुझे वो बताइए। आपका मेल आ रहा है या टर्मिनेट कर दे आईडीएफ से आपको? आप किसी कलेक्शन एजेंसी में काम नहीं कर पाएंगे, यू नो ना मैम। इसके लिए मैं सॉरी मैम, मेरे को आप सॉरी बोलने की तो कोई, देखो नितिन जी, कोई जरूरत ही नहीं है। मिस कम्युनिकेशन आपने कस्टमर से किया है, मुझसे नहीं किया है। और ऐसे रिलायबल कस्टमर अगर हमसे खराब होते जाएंगे, फिर आप काम किस पे करेंगे नितिन जी, मुझे बताइए। मुझे मत बोलिए, आप पंकज जी से क्लियर कीजिए जो कि करना, और आप मुझे मेल कीजिए अपना रिजाइन लेटर। अगर आप रिजाइन लेटर नहीं मेल करते हैं 24 आवर्स में, तो कंपनी आपको खुद टर्मिनेट कर देगी। टर्मिनेट की टर्म एंड कंडीशन आप जानते हैं कि आप कहीं कलेक्शन एजेंसी में काम नहीं कर पाएंगे। मैम एक सेकंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ऐसा मत करें। मैं पंकज सर सॉरी सर, देखो सर आप जो हुआ सर, आपने भी बोला, मैंने भी बोला सर सॉरी। एक बात तो बताओ, तुम यार हमारी औकात देख रहे थे वहाँ पे। सुनो मेरी बात सुनो भाई। तुम सर सीनियर लाइन, अरे सर सीनियर लाइन पे सर मत बोलो सर, रिक्वेस्ट है। अरे मैम प्लीज, अरे पर्सनली कॉल कर लो। 2-3 महीने पहले इतनी अच्छी कम्युनिकेशन हो रही थी, कम्युनिकेशन बिगाड़ी किसने? सुनो कम्युनिकेशन बिगाड़ी किसने भाई? एक सेकंड मैम, बस एक मिनट का मुझे टाइम दे दो मैम, एक मिनट का मैम, एक सेकंड मैम। सर बोल रहे कम्युनिकेशन मैंने बिगाड़ी, एक मिनट का टाइम दे दो मैम। कम्युनिकेशन किसने बिगाड़ी भाई? एक सेकंड मैम, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ मैम, एक मिनट मैम। भाई तेरा मैसेज था कि कहाँ भाग गया। हेलो, हाँ जी सर। मैडम ये लाइन पे कट गए हैं? नहीं लाइन पे ही है, अभी रुके ना आप, ये रिजाइन लेटर ही मेल करेंगे। इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, और ऐसी कम्युनिकेशन करने के लिए इनको अथॉरिटी किसने दी है?
मैम एक बार व्हाट्सएप चेक करो मैम अपना, मैम एक बार व्हाट्सएप चेक करो। मैंने चेक कर लिया है व्हाट्सएप अपना, आ गया है मेरे पास स्क्रीनशॉट। मुझे नितिन जी एट दी एंड बात ये सुननी है कि मिस कम्युनिकेशन क्यों हुई। अरे भाई तुम हर आदमी को इतना झांटते हो क्या? मतलब कि कोई भी आदमी कैसा भी होता है, किसी के आदमी को लेवल तो देख लो, कहां बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, या हर आदमी रिक्शे वाला समझते हो तुम? हेलो हेलो नितिन, हेलो नितिन जी आवाज आ रही है? मैडम हर आदमी का लेवल अलग होता है, अगर मैं मेल कर करके खेलना चालू कर दूं ना मैं, तो एजेंसी सब आपकी बंद हो सकती है, आपको पता भी होगा इस बारे में। जी बिल्कुल राइट सर। ठीक है मैडम, लेकिन हम वो सब करना नहीं चाहते, किसी की रोज रोटी लात नहीं मारना चाहते, हम भी करते हैं, हम भी एक्चुअली हमारा भी फाउंडेशन है, हम गरीबों में दान भी करते हैं, हम किसी को रोज रोटी पे लात नहीं मारेंगे, मैं इस भाई की भी लात नहीं मारूंगा भले इसने कुछ गलत बोला हो, कुछ भी करा हो भले इसने, लेकिन हम नहीं चाहेंगे इसकी नौकरी जाए, इसकी 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी होगी या 30 हज़ार रुपये की नौकरी होगी इसकी बेचारे की, और इसे ही बताओ इतना कम बिजली का बिल जमा करता हूँ अपने घर का और ऑफिस होगा मैं। हेलो नितिन जी सुन रहे हैं ना आप, आपने क्या कम्युनिकेशन किया फिर भी कस्टमर आपके इतने ही बोल रहा है? नहीं मैम आप ये देखो मैंने इनको डे वन आप मेरी बात सुनिए, मुझे कुछ नहीं देखना। मैडम चुप रहेंगे मैडम, भाई नितिन जरा चलो मैं तो बत्तीस आपने कर ली जो मैंने कर ली ठीक है, मेरी बात सुनो भाई नितिन जी, तुम आपका पहला मैसेज मेरे पास क्या आया था, कहाँ भाग गया? हाँ या ना? एक सेकंड भाई देखो बत्तीस की बात अलग है, वो छोड़ो सुनो, ये सीनियर आपकी होंगी, मेरी सीनियर नहीं है। सही खेल गए बैंच, ये सीनियर आपके होंगे, आप इनके पास नौकरी करते होगे या इनके आपके पास नौकरी कर जो भी करते होगे, मेरे लिए सीनियर नहीं है ये। हाँ मेरे लिए जो भी है वो है अपने लिए है, मेरे लिए कोई नहीं है। छह तारीख को मेरा एग्जीक्यूटिव आपके पास आता है, आपको वो कॉल करता है, सर वो आपने बोला था आज की पेमेंट का, एक सेकंड इस बात को भाई काटूंगा मैं, सुनो भाई मेरी बात सुनो, एक सेकंड मेरी बात सुन लो भाई, मैंने एग्जीक्यूटिव कब बुलाया जरा बताओगे मेरे को आप? एग्जीक्यूटिव को मैंने क्या टाइम दिया उसको लाइन पे ले लिया, मैंने क्या टाइम दिया उस बंदे को, ऑफिस में बैठा था मेरे, मैंने उससे क्या बोला, मैं कहा बुधवार को भाई शाम को 4 बजे आ जाइए, उसने मुझसे बोला सुबह तक करा दोगे, मेरी वेटिंग ये थी भाई शाम को 4-5 बजे तक आइए भाई, इससे पहले मत आइए, सुबह से पैसे नहीं आते हैं, एक बात ऑफिस खुलते तो कोई पैसे देगा नहीं आपको, आपने उसको कितने बजे भेज दिया ऑफिस में? 11 बजे क्यों भेजा भाई? सर मैं इस चीज के लिए सर मैं मेरे को नहीं पता आप मुझे ये चीज बोल देते सर मैं क्यों ऐसा करता भाई, जब अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने फोन पे उस बंदे से भी मैंने उस लड़के से भी बोला, मैंने भाई जब मैंने आपको क्या टाइम दिया, उन्हें बोला उस बंदे को उसका नाम, उस बंदे का नाम क्या, एजेंट का भाई, भाई सुनो देखो यार देखो ये सब अपनी जगह है, सुनील नाम, हाँ सुनील, हाँ उस बंदे को फोन पे अगर लैंड प्लेस को ले लो, उससे पूछो मैंने क्या टाइम दिया उसको, कितने बजे आके बैठ गया उस पे, तो उन्हें बोला मुझसे भैया नितिन सर से बात कर लो, सर उन्होंने मेरे को भेजा है, मैंने आपको टाइम क्या दिया था आपको, सर आपने शाम को 4 बजे का टाइम दिया, मैं फिर इस टाइम क्यों आ गए तुम, उसके बाद आप इसके बाद तुम शाम को 5 बजे आ गए हो, जब मैं सुनो बताऊं तो मुझे एग्जीक्यूटिव ने ना मुझे ये चीज बोली, सुनिए मुझे एग्जीक्यूटिव ने ये चीज बोली कि मैंने उनको कॉल करा और कॉल करने के बाद वो मुझे कहते, मैंने बोला सर मैं आपने बोला था पेमेंट का, लेकिन वो मुझे कहते हैं कि भाई पेमेंट नहीं है, जो लीगल एक्शन लेना ले लो। मैंने ये बोला, हाँ सर वो उसने उस लड़के ने मुझे ये चीज बताई, उस पे लाइन ले लो एक बार जरा सर, मैं अब इतनी लंबी जोड़ी कन्वर्सेशन नहीं कर सकता, भाई मैं तो कर सकता हूँ भाई, मैं तो क्लियर करना है, नहीं मैं आपसे कर सकता हूँ सर, मैडम से कर सकता हूँ सर, लेकिन ना मैं ये जो ये एग्जीक्यूटिव है ना सर, मैं इनको बीच में नहीं लेके आ सकता, जो कि रीजन क्या है सर, ये एग्जीक्यूटिव सर देखो 15-16 हज़ार रुपए की जो उनकी होती है, तो सर मैं तो किसी को बीच में लेके नहीं आ रहा, मैं तो उसको भी लेके नहीं आ रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ आपकी बात पे, मैंने आपको भी फोन में बात हुई थी आपसे, आप उसने बंदे ने अपने फोन से बात करी थी, मैंने आपको यही टाइम दिया था कि भाई शाम को 5 बजे तक भेजना 4-5 बजे तक, और अब जब भी मैंने आपको करी है आपने हर डंडा करा फिर गार्ड में सुबह सुबह क्या नाम है भाई 10 बजे पेमेंट कर दो, भाई शाम तक करूंगा नहीं भाई, देखो आप मैं जो बात करूँ क्लियर बात करो, देखो सुनो जो भी लाइन पे चाहे मैंने फोन काट दो, आप मुझे पर्सनल फोन कर लो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आप इनसे पर्सनल कॉल करके बात कीजिए और मुझे आधे घंटे के अंदर रिवर्ट कर दीजिए मैम, ठीक है पंकज सर।